फिलहाल की बात करें भाई, उकलाना हल्के में विधानसभा में मैं खड़ी हूँ और नरेश सेलवाल अनूप धानक की टक्कर में आ चुके हैं। मैं ये बात जानना चाहूंगी कि इनका कैसा माहौल रहेगा। जी नमस्कार। नमस्कार। तो कैसा क्या माहौल है जी? माहौल तो आप देख लो, चारों तरफ कैमरा घुमा के आप देखो, जबरदस्त कांग्रेस की आंधी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, और हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो पिछले 5 वर्षों में मेहनत करी, युवा की लड़ाई लड़ी, महिलाओं की लड़ाई लड़ी, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ी, हमारे बच्चों के लिए जब स्कूल बंद कर दिए थे 5,000 इस सरकार ने, उनकी लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए जब किसान आंदोलन हुआ, 3 काले कानून आए, किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर 3 काले कानून रद्द कराने के लिए संसद के अंदर लड़ाई लड़ी, तो युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस की आंधी चल रही है और उकलाना हल्के के अंदर उसी का परिणाम है कि लोग जो है बीजेपी की 10 साल की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर। आप चारों तरफ अपना कैमरा घुमाइए, कैमरामैन से बोलिए कि लोग कितने उत्साहित है कांग्रेस पार्टी को मतदान करने के लिए। आपने किसानों की बात की है तो विपक्ष की, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो कहते ही अदर का जो है पार्टियां हैं उनके लोग हैं। अगर सभी हमारे लोग हैं तो बीजेपी जो है उनकी सरकार कैसे बनती है? सब किसान लोग हैं, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, गरीब है। बीजेपी की सरकार ने 10 साल में हमारे सबसे छोटा तबका, मनरेगा के मजदूर से लेके आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, सरपंच, खिलाड़ी, ओपीएस के कर्मचारी, नंबरदार, सबको लाठी डंडियों से पीटने का काम किया। हमारी खिलाड़ी बहनों को दिल्ली के जंतर मंतर पे बाल पकड़ पकड़ के हमारे बहनों को घसीटा गया। आज जो है पूरे प्रदेश की जनता बीजेपी के खिलाफ है। आज हमारा युवा हरियाणा प्रदेश का सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार में, 38% युवा बेरोजगार हरियाणा का, 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। हरियाणा के युवाओं को कौशल रोजगार की कच्ची नौकरियां दी जा रही है, जिससे आज हरियाणा का युवा बीजेपी से रुष्ट है और उससे बदला लेने के लिए आज सारा युवा कांग्रेस पार्टी को मतदान करना चाहता है। जी, जगह जगह अनूप धानक का विरोध किया जा रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे हो गए हैं, गांव में जगह जगह विरोध किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? जब 10 साल विधायक रहे अनूप धानक जी यहाँ से, तो उन्होंने जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। जब हमारे किसान भाई दिल्ली में पिट रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चला जा रही थी, तो अनूप धानक जी की आंखों में एक आंसू नहीं आया किसानों के लिए। जब हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पे घसीटा जा रहा था, हरियाणा की बेटियों को, उस समय अनूप धानक की आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। अब वोटों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बार बार जो है इनके बहकावे में आएगी। जी, नैना चौटाला की बात करें, जेजेपी से थे वो और जेजेपी से जीत हासिल की थी, नैना चौटाला ने उनको काला नाक दो मुआ इस टाइप की वर्डिंग बोली, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो उनका उनकी पार्टी में रहे हैं, उन्होंने पता कि उसने किस प्रकार से उस पार्टी को डसने का काम किया, जिसने उसको राज्य मंत्री बनाया उस पार्टी को डस के आया, तो वो तो उनका अंदरूनी मामला है। जी, आने वाले कल में आप क्या मतलब कौन सी योजनाएं लेके आना चाह रहे हो? जो हमारी पार्टी ने घोषणा की है, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में करेंगे, हर महिलाओं को 2,000 रुपए सम्मान भत्ता मिलेगा, हमारे गरीब लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट मिलेंगे, ओपीएस को बहाल करेंगे, किसानों को एमएसपी मिलेगी, इन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, अगर हम महिलाओं की बात करें तो इसमें क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, महिलाओं का लगातार रेप के केस की बहुत सारी है, आपने देखी होगी वीडियोस आ रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे? आपकी सरकार क्या महिलाओं को दुश्मन देना चाहोगे? हरियाणा की कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, और जो ये हरियाणा क्राइम का अपराध का प्रदेश बन चुका है, आज डकैती के अंदर हरियाणा का पहला नंबर, मर्डर के अंदर भारत में दूसरा नंबर, रेप मर्डर में पहला, रेप में दूसरा नंबर भारत में, ये जो है अपराध का प्रदेश घोषित कर दिया बीजेपी ने। हम इस प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे, सुरक्षित राज्य बनाएंगे, महिलाओं का, हमारे बच्चों का, युवाओं का भविष्य कांग्रेस की सरकार बनने पर
हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सबका भविष्य सुरक्षित होगा। चार साल की आर्मी कर दी गई है, बच्चे आर्मी की तरफ ज्यादा रुझान था, लेकिन आपकी सरकार में क्या ये नियम लागू इसके चेंज किया जाएगा, कुछ और नियम लेके आएंगे? देखिए ये केंद्र सरकार का मामला है, हम हरियाणा सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस की, जो हरियाणा सरकार के अधीन जो बातें आएंगी हम जनता के अनुरूप काम करेंगे, जन भावना के अनुसार कानून बनाएंगे और जन भावना जो होगी उसी के आधार पे काम किया जाएगा। हरियाणा को आप क्या गिफ्ट देना चाहोगे, क्या उपहार देना चाहोगे आते ही? जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो हरियाणा नंबर वन था शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पीने के पानी में, बिजली में, रोजगार में, महिला सुरक्षा में, खेल खिलाड़ी में, परिवहन में, जो है उसको फिर से हम हरियाणा नंबर वन बनाएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों से अपील करता हूँ आने वाली 5 अक्टूबर को अपना एक एक कीमती वोट हरियाणा के विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करे, मुझे उकलाना से विजयी करके भेजे, ताकि हरियाणा में विकास पुरुष 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद।